नींबू वाला पर वो चलाता है, नींबू वाला किसके पर वो चला है, वो मैं बोला ना जौन सा भी आदमी दूध पीता है ऐसा लड़का। हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामना है आप जिधर घर हो उधर खुश रहो, ठीक है? यही मैं हमेशा कामनाएं करता रहता हूँ, ठीक है? चले दोस्तों मैं पर्व के बारे में बताऊंगा दोस्तों, मुठकर्णी, ठीक है? मुठकर्णी या पर्व, नाम दो है लेकिन काम एक ही है, ठीक है? कितना आदमी रहता है तो बोलता है पर्व, मैं आदमी चलाया था, मैं देखा था उसको पर्व, ठीक है? और कितना भी बोल रहा था कि पुतले के ऊपर मुठकर्णी आदमी किया था, बाहर उसको बहुत भयंकर प्रयोग किया था, उसका सजावट भी बहुत भयंकर किया था, ठीक है? तो ससुराल वो खा करेगा पर वैसा नहीं चलाया जाता है, ठीक है? कोई परो भले कुमार जी का कोई मंत्र नहीं है कि वो आदमी पेशाब करता है तो चलो मैं उधर चला देता हूँ, ठीक है? आ चाहे कोई अपना क्रिया कर रहा है उस समय उसको चला देता हूँ, वो बात मान लो, ठीक है? ये परो जौन है इसका भी एक नियम होता है, मंत्र का भी एक नियम होता है। जब तक ये मंत्र का विधि विधान और नियम पूर्वक जब तक ले नहीं करेंगे, मंत्र जो अपना प्रभाव नहीं उठाएगा, कोई कार्य नहीं कर सकता, ठीक है? करने के लिए करेगा 100% 25% करे, 25% क्या होगा? तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है? कोई भी मंत्र चलाने से पहले उसका विधि विधान आप जान लीजिए, ठीक है? तो ऐसा ही आदमी क्या हुआ इधर से पर्व चलाने के लिए चला जाए, ठीक है? मैंने पर्व चलाने के लिए चला गया, कौन चीज से चला, ठीक है? नींबू का प्रयोग से चला, ठीक है? तो नींबू का प्रयोग से जब वो पर्व जब इधर से चला देता है तो जो पर्व का भी एक नियम होता है, मैं बोला ना यज खोजता है कितना यज के लिए कौन सा पर्व चलाना चाहिए, ठीक है? जैसे दवाई शूट करता है ना मेडिसिन, जैसे शूट करता है कौन सा आदमी कैसा बने कितना एमजी को देना पड़ेगा उसके ऊपर शूट करेगा, ठीक है? तो इधर से जो आदमी नींबू के साथ पर्व चला दिया तो जब तक आदमी वो बच्चा जब चाहे जो जब लड़की जब रहेगी दूध पिएगी उसी समय वही प्रयोग कर मैंने किया जाता है, ठीक है? तो चला दिया था ऐसा 35 साल 40 साल के एक औरत थी उसी के ऊपर, ठीक है? तो पर्व चला दिया तो क्या वो भी कुछ जानती थी ना ऐसे ही? हाँ वो भी कुछ जानती थी। इधर चलाने के लिए जब चला दिया नींबू वाला पर्व, क्या किया नींबू लिया गया कोई प्रयोग करके इसे क्या किया पानी में इसको रख दिया, ठीक है? रखने के बाद इधर पर्व चल गया उसके साथ, वो भी कोई प्रयोग करती थी वो भी, क्योंकि उसी समय में बता रहा हूँ जर से इसका जो क्या है रीजन, ठीक है? देखो क्योंकि देखो वो भी क्या करती थी, वो भी ये सब तंत्र मंत्र में माहिर थी, ऐसा गांव घर के आदमी होता है जब ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है आस पास में आदमी सब कार्य करते हैं उसके बारे में था रहता है, ठीक है? तो वो भी ऐसा कार्य किया था, वो भी आया था दूसरे घर में धार फूकर में, ठीक है? तो उसको था चल के फलना तुझे ऐसा सा प्रयोग कर दिया, ठीक है? तो वो बोल रहा था कि ठीक है मुझे 5-50 हजार रुपया ले लिया, वो जो उसका काम ही तमाम कर दो। ये भी क्या हुआ, ये भी साधक जो था वो भी जो तांत्रिक आया था वो भी थोड़ा लोभी था, बोला कि चलो मुझे दे दो अभी 25 हजार फटफट गिनकर उसको दे दिया, सामान गिनवाया नींबू सींबू गिनवा जो सामान गिनवा नहीं वो गिनवा दिया, ठीक है? गिनवा लिया, गिनवाने के बाद में क्या होता है ये क्या कर रहा है नींबू वाला पर्व वो चलाता है, नींबू वाला किसके प्रयोग चला है वो मैं बोला ना जो सा भी आदमी दूध पीता है ऐसा लड़का जो रहता है छोटा छोटा बच्चा रहता है ऐसा 3-4 साल के भीतर के लिए वो पर्व चला रहा था उसके, तो वो भी क्या किया वो पर्व जो था उसको था सब चल गया, चलने के बाद में क्या वो पर्व रोक दिया, रुकने के बाद इसको 24 घंटा अपने पास रखा, 24 घंटा अपने पास रखा, वो इंतजार कर रहा था मेरा पर्व कब आएगा कब आएगा कब आएगा खा खाएगा पर्व चला इतना बड़ा पर्व चलाया है यार चलाने के बाद बोल रहा है मेरा पर्व कब आएगा कब आएगा इसको साथ वो पैसा मेरा कब वो सोच रहा था, ठीक है? वो भी क्या किया 24 घंटा उसको पर्व जो था वो रोक लिया, रोकने के बाद में देखो आप फिर वो क्या किया उसको यही हो गया कि मेरा पर्व काम नहीं किया, ये सोच रहा था मेरा पर्व जो है वो काम नहीं किया जिधर भी कोई आदमी उतार नहीं गया, ठीक है? आइए भी क्या 24 घंटा जब बीत गया तो ये अपना भी पर्व जो था ये फिर पलटा गया,
चलाने के बाद में क्या हुआ, हुआ आदमी लग गया गाउन जाउन सब गिर गया, ठीक है गाउन होता है ना लाल पूरा सब हो गया। अब क्या कर उसी का चेहरा चपाटी जो आदमी था, ठीक है तो उसी के पास उठाया क्योंकि वो पौरू चलाने के दौरान में दो आदमी को रखना पड़ता है तो वो रखा था उधर, ठीक है जब पौरू इधर 24 घंटा के भीतर भी आया तो लग गया गाँव गाँव के, तो ये लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले उठा के लग गया मारना, क्या कर रहे अब क्या करे, फिर जाकर उसको पौरू काटा, काटने के बाद में फिर बाद में ठीक हुआ। फिर उससे पूछा गया कि देखो कि ये प्रयोग जो ये सब लाइन में है तो आदमी मान कर चलो ये सब ये कार्य जान समझ करते क्या हुआ, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो रीजन बताया कि ऐसा ऐसा बात है, अब क्या करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ पौरू ऐसा चलाया नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है पौरू चलाने का एक रीजन होता है, ठीक है तो पौरू के बारे में वीडियो में बाद में बनाऊंगा, अभी भविष्य में अभी उसका जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ यही बात झलक दिखाया, ठीक है पौरू तो ऐसा मैं बताऊंगा ना, मैंने पौरू बताऊंगा 108 से पौरू से मैं ज्यादा नहीं बता सकता, ठीक है कैसा चलाया जाता है उसका विधि विधान क्या है कौन सा मंत्र प्रयोग होता है, ठीक है तो सबके मुझे माफ करना, ठीक है सबके मैं काम नहीं करना चाहता, ठीक है आज जो आदमी चलाते हैं उसी आदमी से जाकर पूछिए कि वो क्या बताता है, ठीक है होश हवास में आदमी बोलता है कि चलो मैं मंत्र सीख लेता हूँ, मैं फलना आदमी को उड़ा दूंगा खाक उड़ाएगा, इसीलिए जब मंत्र अंदर आदमी लगता है सीखने सीखने के बाद ज्ञान बढ़ता है तब इसमें जानता है, ठीक है जानने का फिर उसको समझ में आता है कि भले मैं नहीं पढ़ पाई सब लाइन, ऐसा ही होता है तो अब क्या करना है, नेट पर आप जानते हैं यूट्यूब पर जानते हैं इतना निकलता है कि चलो ऐसा पर्व होता है वैसा पर्व होता है फलना होता है चिलना होता है पानी से वाशीकरण करना नमक से वाशीकरण करना मिठाई से वाशीकरण क्या क्या मैं बता रहा हूँ यही तो बात रह गया, लहसुन से आदमी बोल जाएगी मारने के मारने जो आदमी जानते हैं खुद नहीं बताएगा तुम लोग क्या बताओ खाक बताओ। चलो इतने में बोलना था कि भविष्य में कोई भी ऐसा समस्या जब पड़ेगा तो मैं जिगर करूंगा अपने चैनल जो अपन देसी ज्ञान चैनल है उसमें, ठीक है तो अभी मैं परसों के बाद में इसलिए झलक आप लोगों को दिखाया, ठीक है मेरा वीडियो जब पसंद है लाइक करिए, कोई भी बात जब समझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ जुड़ जाइए, जुड़ जाएंगे तो फैमिली और परिवार के तरह हो जाएंगे, ठीक है आज के लिए मैं बोलूँगा अभी के लिए चलता हूँ, जय जय जय।